हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल द फिजार जी में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक और रिफ्रेशिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ इस गर्मी के टाइम में आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा मेरा फेवरेट फूड जो है वो है तरबूजा वाटरमेलन। तो आज की जो वीडियो है, आज हमारी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैं तरबूजा नहीं खाता तो तरबूज का जूस कैसे बना सकता हूँ। बहुत ही सिंपल वीडियो है, बहुत ही छोटी वीडियो रखेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो दोस्तों, वाटरमेलन जूस बनाने के लिए हमने ले लिया है सारा सामान। हमारे पास है 4 बोल वाटरमेलन कटा हुआ। इसके बीज मैंने नहीं निकाले, जितने निकाल सकते मैंने निकाल लिए, बाकी मैंने नहीं निकाले क्योंकि इसको छान लेंगे। ये है हमारे पास नींबू कटा हुआ एक ग्लास, ऑब्वियसली जिसमें हम जूस पियेंगे, और छन्नी नॉर्मल छन्नी है क्योंकि हमें जूस छानना पड़ेगा, और हमारा जूसर। तो दोस्तों, अभी के लिए कैमरा रखते हैं साइड में क्योंकि हमारे पास वाटरमेलन जूस बनाने के लिए मेरे को अपने दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं अपना कैमरा लगा देता हूँ स्टैंड पे। तो दोस्तों, रेडी हैं हम अपना वाटरमेलन जूस बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसमें जूस में सारा का सारा, तो दोस्तों लापरवाही का नतीजा तो हमें भुगत चुके हैं। उसको मैंने ढंग से बंद किया नहीं था अपने जार को, और मैंने मिक्सी चलाई थी। खैर कोई बात नहीं, रूम पूरा गंदा हो चुका है, डांट तो पड़नी पड़नी, पर अच्छी बात यह है कि हमारा जूस रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बट आई मीन वाटरमेलन जूस निकाल लेता हूँ, उसको पी लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कि सोचा था आप लोगों को ड्रेसिंग करके दिखा दूंगा इसके कैसा लगता है, ये स्लाइस होते हैं।